सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट 5 वायर्ड ईयरफोन्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी ईयरफोन बाई करने जो आपको बजट के अंदर देखने को मिल जाए, बट उस ईयरफोन के प्राइस आपको 500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाए, यानी कि बेस्ट बजट ईयरफोन्स अगर आप बाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने ईयरफोन्स की नई सीरीज को स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम आपको बजट ईयरफोन्स भी बताने वाले हैं, बेस्ट नेक बैंड बताएगी, यानी कि हम कुल मिलाकर ईयरफोन्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, इस सीरीज को आप अपना भर भर के प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर महीने मैं आपके लिए बेस्ट बजट वायर्ड ईयरफोन्स नेक बैंड वगैरह लाता रहने वाला हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर आठी और आप देख रहे हैं फालतू टेक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और आज के इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। दोस्तों, मुझे पूरी पूरी आशा है कि आप 200 लाइक्स को काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। बात करते हैं सबसे पहली ईयरफोन्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपको ईयरफोन्स मिलेगी वो सब आपको इस तरीके की देखने को मिलने वाली है, यानी कि उसके अंदर आपको एक वायर देखने को मिल जाएगा, यानी कि वायर ईयरफोन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमने किसी भी ईयरफोन को कोई भी रैंकिंग नहीं दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ट की तरफ से आने वाले ईयरफोन्स की। इसकी कीमत आपको 349 रुपए देखने को मिलते हैं, मानकर चलिए 350 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है बोल्ट ऑडियो बेस बर्ड। ये आपको काफी अच्छी कीमत के साथ मिलते हैं, अंडर 500 में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफी अच्छा यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाता है, रबर का वायर आपको देखने को मिलता है, टैंग्ड वायर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर उलझने का कोई भी झंझट नहीं है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो वायर ईयरफोन्स होते हैं इनका जो वायर होता है काफी उलझता है, तो यहाँ पर आपको ये वायर उलझने वाला देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छे वायर का यहाँ पर यूज किया गया है। एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। 3.5 mm का स्ट्रेट जो आपको 3.5 mm का जैक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर भी काफी यूनिक सा डिजाइन दिया गया है। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग आपको दी गई है। 12 nm का बेस ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो म्यूजिक का प्ले पॉज के बटन है यहाँ पर दिए गए हैं। तो नो डाउट देखा जाए तो जो एक बजट के अंदर जो ईयरफोन होता है सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको माइक देखने को मिलता है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो इसके अंदर कैसी वॉल्यूम आती है, सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक बेस देखने को मिल जाएगी। नो डाउट बजट के अंदर काफी अच्छी बेस यहाँ पर दी गई है। वोकल्स की बात करिए तो वोकल्स भी यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए हैं। बट इस ईयरफोन के कौन से है कि यहाँ पर आपको जब 70% से ऊपर इसके आप वॉल्यूम को ले जाओगे तो इसकी आवाज है कहीं ना कहीं फटने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप 70% से नीचे से यूज करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। 350 रुपये में जो ईयरफोन है जस्टिफाई करता है, काफी अच्छी फीचर्स यहाँ आपको दिए गए हैं। और सबसे अच्छा है इसका एट्रैक्टिव डिजाइन और एट्रैक्टिव लुक। नो डाउट ये ईयरफोन्स भी आपके लिए बेस्ट है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि सभी ईयरफोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें नेक्स्ट ईयरफोन की तो ये आता है रियलमी की तरफ से, जिसका नाम है रियलमी बड्स 2। दोस्तों, रियलमी बड्स 2 को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये जो ईयरफोन है काफी अच्छा है। ये आपको 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में देखने को मिलता है, यानी कि इस ईयरफोन के जो प्राइस है फ्लैक्सुएट होते हैं। ये एक वायर्ड ईयरफोन है बट काफी अच्छा ईयरफोन है। बजट के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको कोई और ईयरफोन्स देखने को मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा जो फीचर्स मुझे इसके अंदर लगा है कि ये जो दोनों ईयरपीस है ये आपको मैग्नेटिक देखने को मिलते हैं। देख सकते हो कि आप मैग्नेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको म्यूजिक प्ले पॉज और अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। माइक भी इसके अंदर आपको दिया गया है। और जो इसका 3.5 mm की पिन है वो आपको स्ट्रेट देखने को मिलती है। और काफी अच्छा मटेरियल का यहाँ पर यूज किया गया है। नो डाउट जो ये ईयरफोन है 500 रुपये में जस्टिफाई करते हैं। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिलती है। 11.2 mm का बेस ड्राइवर यहाँ आपको दिया गया है। और जो इसकी हम बेस की बात करते हो दोस्तों, इस प्राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बेस आपको किसी दूसरे ईयरफोन्स में देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ JBL का एक ईयरफोन है वो काफ़ी अच्छी बेस आप लोगों को दे देते हैं। बट गाइज, अगर आप पूरे दिन इसके जो वॉल्यूम है इसको हाई करके सुनोगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि इसके आप वॉल्यूम को पूरे दिन हाई करके नहीं सुन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी बेस आप लोगों को दी जाती है। और वोकल्स भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे दिए गए, यानी कि अगर आप 100% वॉल्यूम भी करते हो तो इसकी जो आवाज़ है वो फटती नहीं है। तो नो डाउट ये जो ईयरफोन है ये काफ़ी अच्छा है और इसको भी आप लोग बाई कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो ये आता है रेडमी की तरफ से। मान सकते हो कि Xiaomi का ही प्रोडक्ट है। और ये इसके जो प्राइस है आपको 400 रुपये देखने को मिल जाते हैं।
₹400 में आप काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको कोई भी यूनिक डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा, बट जो एक थोड़ा सा यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलता है उसका 3.5mm की पिन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि जिसके 3.5mm की पिन है वो आपको स्ट्रेट ना मिलकर 90 डिग्री पर देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10mm का बेस ड्राइवर यहाँ आपको दिया गया है। IPX5 की रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको म्यूजिक प्ले पोज का बटन दिया गया है, माइक भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं और रबर वायर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो उलझने की दिक्कत है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैंग्ड वायर देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर हम इसकी वोकल्स की और बेस की बात करें तो ₹400 की कीमत की बात करें तो ₹400 में आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट देते हैं। वोकल्स भी इसके अंदर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है और बेस की बात करिए तो बेस भी इसके अंदर ठीक ठाक दी गई है, बट रियलमी बड्स 2 के मुकाबले आपको बेस काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। दोस्तों रियलमी बड्स 2 में आपको काफ़ी अच्छी बेस मिलती है, बट जो रेडमी के ईयरफोन है जो आपको ₹400 में मिलते हैं, ₹400 की कीमत में देखा जाए तो ये एक अच्छा ईयरफोन है, इसको आप लोग बाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयरफोन की। इसका नाम है बोट बेस हेड 242, यानी कि ये आपको ₹500 की कीमत में मिलेगा। बोट की तरफ से आता है, काफी अच्छा डिजाइन ही आपको देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है, वायर की जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, टैंग्ड वायर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उलझने की दिक्कत यहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी 10nm का बूस्टर दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर दिया गया है, बेस ड्राइवर दिया जाता है, और यहाँ पर भी IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है, और जिसकी वोकल्स है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, बेस भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर दी गई है। मैं बोलूँगा कि Realme Buds 2 के बराबर से यहाँ पर आपको बेस देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले पोज का बटन दिया गया, अप डाउन बटन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसके जो हम कॉन्स की बात करें तो मुझे इसके अंदर ऐसा कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिलेगी जो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे बेस दी जाती है और जो वोकल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। करीब 90% के करीब भी इसके जो वोकल्स है वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, यानी कि जो इसकी वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो देखा जाए तो ₹500 में जो ये बोट बेस है 242 है काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप बाई कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर इसकी कीमत आपको ₹500 देखने को मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो ये आता है JBL की तरफ से। दोस्तों बजट के अंदर अगर आपको JBL जैसा प्रोडक्ट देखने को मिल जाए तो नो डाउट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो JBL के ईयरफोन है इसका नाम है JBL CI 100, इसका प्राइस करीब आपको ₹500 देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी इसके प्राइस ₹550 भी हो जाते हैं, बट दोस्तों इस प्राइस रेंज में जो JBL का ईयरफोन है वायर ईयरफोन है काफी अच्छे है। हालांकि कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज यानी कि कॉन्स भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्लास्टिक का वायर काफी बारीक वायर देखने को मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी मार खाता है, बट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो नो डाउट फीचर्स के मामले में ये ईयरफोन्स काफी अच्छे है। 10nm का यहाँ पर आपको ड्राइवर देखने को मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, यहाँ पर भी आपको वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर हम इसकी बेस की बात करें तो नो डाउट दोस्तों अल्टीमेट बेस यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों जितनी आपको बेस Realme Buds 2 पर देखने को मिलती है, मैं बोलूंगा कि उतनी बेस यहाँ आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि Realme Buds 2 और जो JBL की तरफ से ईयरफोन आते हैं दोनों ₹500 की प्राइस में काफ़ी टक्कर के ईयरफोन है, काफ़ी अच्छी बेस यहाँ आपको देखने को मिलती है। और JBL के इन ईयरफोन्स में आपको जो वोकल्स है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि एक एक आवाज आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, बिल्कुल भी आवाज यहाँ पर फटती नहीं है। दोस्तों अगर आपको ₹500 में JBL की तरफ से बेस्ट ईयरफोन मिलते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों जो JBL C100 है ये आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम वोकल्स और जो बेस है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आपका फेवरेट ईयरफोन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट ईयरफोन है JBL C100, इसको आप लोग ₹500 की कीमत में बाई कर सकते हो। मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छी बेस देखने को मिली है और वोकल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। और सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा Realme Buds 2 को, Realme Buds 2 वाकई में काफ़ी अच्छे है, प्राइस के अंदर जस्टिफाई करते हैं। दोस्तों अगर हम आपको इनको बाई करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।